हे गाइस, मैं अनुसू स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट प्रिपरेशन में। और आज का टॉपिक है बुक एंड ऑथर। अगस्त और सितंबर के 2018 में जितने भी बुक लॉन्च हुए, रिलीज़ हुए हैं, सभी के डिटेल में लेके आई हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SSC हो, CGL हो, MTS हो, रेलवे हो या UP SSC हो। तो ये सबसे ज़्यादा इससे एक से एक क्वेश्चन जरूर हर सप्ते पूछे जाते हैं। तो पूरा डिटेल में देखिए, पूरा देखिए कौन कौन से रिलीज किए गए हैं बुक। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला बुक है गॉडमैन टू टाइकून। ठीक है, गॉडमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। ये बुक लिखा है किसने? प्रियंका पाठक ने। ठीक है, प्रियंका पाठक नारायण ने लिखा है ये बुक। ये बुक का कवर तो ये लिखा है। ये अभी सितंबर में ही बुक रिलीज हुई है। नेक्स्ट है अटल जी ने कहा, ये बुक कब रिलीज हुई है? ये बुक भी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसे लिखा है ब्रजेंद्र रेही ने। किसने लिखा है इसे? ब्रजेंद्र रेही ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पायजामाज आर फॉर गिविंग। इसकी अथर है ट्विंकल खन्ना। इनकी अथर है। ये इनकी थर्ड बुक है। इसके पहले भी दो बुक लिख चुकी है। कौन कौन से? मिस्टर फनी बोन्स। ठीक है, एक तो मिस्टर फनी बोन्स लिखा है इन्होंने और दूसरा लिखा है द लिजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। दो बुक है और ये इनकी थर्ड बुक है, पायजामाज आर फॉर गिविंग। नेक्स्ट है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल। ये बुक लिखा है किसने? तपन कुमार चंद। ये कौन है? नालको कंपनी के CMD हैं। ठीक है, और इस बुक को रिलीज किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। इस बुक को रिलीज किया, ये यूनियन माइन यानी कि कोयला मंत्री है। नेक्स्ट है विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। ये पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है अभिरूप भट्टाचार्य ने। ठीक है, ये सौरभ गांगुली पर आधारित है और लिखा है अभिरूप भट्टाचार्य ने। सब इम्पॉर्टेंट बुक है और कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जितने भी करंट एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी पूछे जा रहे हैं। ये है वॉरलाइट बुक है। इसे लिखा है माइकल ओनटार्टजे ने। ठीक है, माइकल ओनटार्टजे ने। ये इससे पहले भी इंग्लिश पेशेंट नामक बुक ये लिख चुके हैं जो फेमस रही है और मायन बुकर के लिए भी नामित हुई थी। तो ये है वॉरलाइट, कौन लिखा है? माइकल ओनटार्टजे ने। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री। ये किसने लिखा है? ये लिखा है ईडी हुसैन ने। ये है कवर फोटो, द हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री। नेक्स्ट है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948। इसे लिखा रामचंद्र गुहा ने। ये गांधी जी के 1914 से 1948 के बीच में जितने भी सत्याग्रह वगैरह हैं उसके बारे में इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। इसे लिखा रामचंद्र गुहा जी ने। नेक्स्ट है जब कोयला गोल्ड में परिवर्तित हुआ, द मेकिंग ऑफ महारत्न कंपनी। ये किसने लिखा है? ये लिखा है पार्थ सारथी भट्टाचार्य ने लिखा है इस बुक को। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा सभी के लिए। नेक्स्ट लिखा है आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर। ये बुक किसने लिखा है? ठीक है, ये बुक लिखा है पवन के वर्मा ने। ठीक है, पवन के वर्मा ने इस बुक को लिखा है। ये इसकी कवर फोटो। नेक्स्ट है VVS लक्ष्मण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी 281 एंड बियॉन्ड। ये इनकी बुक का नाम है और ये VVS लक्ष्मण क्रिकेटर है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है VVS लक्ष्मण की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नो स्पेन। ये सेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ही हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इनकी ये भी ऑटोबायोग्राफी है, नो स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने एक बुक रिलीज की, उसका नाम है मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर ऑफिस। ये क्या है? एक साल के कार्यकाल को पूरा होने के लिए ये है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इन्होंने लिखा था और मोदी जी ने इसे रिलीज किया। नेक्स्ट है सेड्स ऑफ ट्रुथ किसने लिखा है? ये है कपिल सिब्बल जी ने इस बुक को लिखा है, सेड्स ऑफ ट्रुथ।
और इसकी पूरी नाम है सेट्स ऑफ ट्रुथ और जर्नी डीरेल्ड, ठीक है, ये ट्रेन के डीरेल्ड होने पर आधारित है। नेक्स्ट है द बुक है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग गांधी नई तालीम। ये जो बुक लॉन्च की गई, इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है, इसकी 13 भाषाओं में लॉन्च की गई है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग गांधी जी नई तालीम, याद रखिएगा, ठीक है। और किसने किया ये, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, और इन्होंने लॉन्च किया, 13 भाषाओं में ये रिलीज हुई। नेक्स्ट है अक्रॉस द बेंच इनसाइड टू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। ये लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने, ठीक है, इसका पूरा नाम है अक्रॉस द बेंच इनसाइड द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, लिखा है ज्ञान भूषण ने, लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड आइडेंटिटियल प्रोजेक्ट, ये किसने लिखा है, ये लिखा है श्री विद्युत चक्रवर्ती ने, ठीक है, याद रखिएगा, इसे लिखा है श्री विद्युत चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट है द रूल ब्रेकर्स, ये किसने लिखा है, ये इनकी लेखिका है प्रीति सिनोय, ठीक है, प्रीति सुनोय सिनोय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द ट्वाइस बर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गंगाज, द ट्वाइस बर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गंगाज, ये लिखा है आतिश तसीर ने, ठीक है। नेक्स्ट है द सी प्लेयर प्रेयर्स, किसने लिखा है, खालिद होसनी ने, याद रखिएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। फिर है बेबाक बात, ये बेबाक बात किसने लिखा, विजय गोयल जी ने, ये भी हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट है काशी काले मंदिर के रहस्य, काशी काले मंदिर के रहस्य किसने लिखा, विनीत वाजपेयी ने लिखा इस बुक को, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीथिंग अंडर, एवरीथिंग अंडर इसे लिखा है डेजी जॉनसन ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो डेजी जॉनसन है, ये मान बुकर पुरस्कार में नामित होने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है, सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है डेजी जॉनसन, इनकी बुक की नाम है एवरीथिंग अंडर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक बुक आई थी स्टोरी सो फॉर, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी संदीप मिश्रा ने, ये किस पर आधारित है, ये दूती चंद एक खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, इनके ऊपर ये आधारित है, क्योंकि इनके ऊपर इसलिए आधारित है, इनके बारे में चर्चा आई थी कि ये मेल, पहले फीमेल मेल थी, मेल से फीमेल ट्रांसप्लांट करवाई, इस सब पे आधारित ये बुक है स्टोरी सो फॉर, लिखा है संदीप मिश्रा ने। नेक्स्ट है ये सारे कुछ बुक है, जैसे कि ज्वेलरी, ज्वेलरी किसने लिखा है, डॉक्टर गुलाब कोठारी ने लिखा है। घाट्स ऑफ बनारस, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने लिखा है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ये लिखा है डॉक्टर गौतम चटर्जी ने। और नेक्स्ट ये है पेंटर ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस, ये लिखा है प्रणव रंजन राय ने। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगस्त एंड सितंबर 2018 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड अथर, इसको पूरा आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जितने भी एग्ज़ाम इधर 2-4 महीने के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।